नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ब्लॉकबस्टर फिल्म डिस्को डांसर के बारे में। इस फिल्म का निर्देशन किया था बी सुभाष ने, और इस फिल्म में जिन कलाकारों ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थीं उनमें थे मिथुन चक्रवर्ती, किम यशपाल, राजेश खन्ना, ओम पुरी इत्यादि। दोस्तों, बी सुभाष के निर्देशन में बनी यह डिस्को डांसर फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी, और इस फिल्म से मिथुन चक्रवर्ती रातों रात स्टार बन गए थे। दोस्तों, इस फिल्म के रिलीज से पहले मिथुन चक्रवर्ती का जो अपीयरेंस था, जो उनका लुक था, उनके लुक को लेकर भी बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था। लेकिन यह फिल्म जब रिलीज हुई और वह रातों रात स्टार बन गए, तो फिर उनके पास फिल्मों के ऑफर्स की लाइन लग गई। दोस्तों, डिस्को डांसर फिल्म 1982 में रिलीज हुई थी, और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, और इस फिल्म ने कमाई के मामले में शोले का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। शोले फिल्म की अगर हम कमाई की बात करें तो उसने वर्ल्ड वाइड जो कमाई की थी वह लगभग 30 करोड़ के आसपास की थी, और यह डिस्को डांसर फिल्म एक छोटे से बजट में बनी फिल्म ने लगभग वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ का कलेक्शन किया था, और यह फिल्म रसिया में बहुत ही पसंद की गई थी। दोस्तों, इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के अलावा राजेश खन्ना का गेस्ट अपीयरेंस करेक्टर भी काफ़ी पसंद किया गया था, और उनके ऊपर फिल्माया गया गाना ना गोरे की ना कालों की, यह गाना भी बहुत ही पॉपुलर हुआ था। वैसे तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि राजेश खन्ना अपने दौर के एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे, और उन्होंने छोटे मोटे रोल कभी नहीं किया, हमेशा उन्होंने लीड में ही काम किया था। लेकिन बी सुभाष की यह डिस्को डांसर फिल्म के लिए उन्होंने गेस्ट अपीयरेंस का रोल स्वीकार किया था। दरअसल राजेश खन्ना शुरुआती दौर में जब स्ट्रगल कर रहे थे तो बी सुभाष ने उनकी काफ़ी मदद की थी। तो जब राजेश खन्ना सुपरस्टार बन गए थे तो उन्होंने बी सुभाष से कहा था कि जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तो बताना। तो बी सुभाष ने अपनी इस डिस्को डांसर फिल्म के लिए राजेश खन्ना से गेस्ट अपीयरेंस के रोल के लिए गुजारिश की थी, और उन्होंने बड़ी खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया था। हालांकि बी सुभाष राजेश खन्ना को लेने से पहले दिलीप कुमार को उस रोल के लिए लेना चाहते थे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो फिर उन्होंने राजेश खन्ना को इस फिल्म में ले लिया था। दोस्तों, इस फिल्म के सारे गाने ज़बरदस्त हिट रहे थे, चाहे वह गाना हो जिम्मी जिम्मी, या फिर आई एम ए डिस्को डांसर, या फिर एक और गाना कोई यहाँ नाचे नाचे। दोस्तों, इन सारे गानों ने ज़बरदस्त धूम मचा रखी थी। दोस्तों, इस डिस्को डांसर फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने में मिथुन चक्रवर्ती के डांस और अभिनय का कमाल तो था ही, लेकिन इस फिल्म के संगीत का भी कम योगदान नहीं था। और इस फिल्म में संगीत में जिन्होंने कमाल किया था वह थे बप्पी लहरी। बप्पी लहरी के संगीत और उनके गानों ने इस फिल्म में धूम मचा दी थी, और बप्पी लहरी ने इस फिल्म के गानों में एक नए तरह के संगीत का प्रयोग किया था, और यह संगीत युवाओं में खासे लोकप्रिय रहा था। और दोस्तों, यह डिस्को डांसर फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती की जितने भी फिल्में रिलीज होती थीं सारे के सारे हाउसफुल जाते थे, लोग मिथुन चक्रवर्ती को देखने आते थे। और यहाँ तक कि इस डिस्को डांसर फिल्म के रिलीज़ के बाद मिथुन चक्रवर्ती का लोग कॉपी करने लगे, उन्हीं के जैसे ड्रेस पहनने लगे, उन्हीं के जैसे हेयर स्टाइल रखने लगे। दोस्तों, यह था वीडियो मिथुन चक्रवर्ती की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म डिस्को डांसर के बारे में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।